हेलो सैयद नदीम बोलते मेरे को, बेगमपुरे के अंदर रहने वाला आदमी है मैं, रिक्शा चलाता, जात भेद का मेरे को कोई भी नहीं है। कोई भी टूरिस्ट आता मेरे पास में तो मेरे को सबसे ये पहले बोलता कि औरंगाबाद में घूमने के वास्ते क्या है, तो मैं ये बोलता कि घोषणेश्वर मंदिर है, भद्रा मारुति है, औरंगजेब टॉम है, उसको घुमाता मैं। क्या तुम्हारे को अगर मुद्दा मनाने को तो ये मेरे को पूछो सही, हम जात भेद का वो नहीं रखते। अगर तुम्हारे को अगर जात भेद का रखने का रहता तो तुम अगर परिया के तालाब के चल जाओ, दरगाह के बाजू में लिंग है, लिंग जो है ना परिया के तालाब के पास में है, शिवलिंग है। हमने आज तक उखाड़े नहीं मुसलमानों ने, जो परंपरा चढ़ी पहले से चढ़ी। और दूसरी बात ये मैं बोलूँगा, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने आज तक बेबात नहीं करा। औरंगजेब के सामने अगर तुम मकबरे के सामने अगर देखना चाहते आज भी, तो उसके अंदर जो संभव भाव संभव सब जात की कब्र है औरंगजेब के सामने, हमने आज तक वो उखाड़े नहीं। फिर भी तुम्हारे को अगर देखना चाहते तो मेरे को ये बोलो कि औरंगाबाद के अंदर तुम्हारे को अगर उखाड़ने गए औरंगजेब की दरगाह अगर उखाड़ना है, तो औरंगजेब का बेटे ने आजम शाह ने जो बीबी का मकबरा बनाया वो उखाड़ो, बीबी का मकबरा। औरंगजेब के बाप ने जो है तो ताजमहल बनाया वो ताजमहल उखाड़ो। हमारे किससे लेना देना नहीं है भाई, जात वात से लेना देना नहीं है, हम क्या बड़े तुम्हारे को। औरंगजेब के बाप ने जो है तो ताजमहल बनाया वो उखाड़ो, औरंगजेब के बेटे ने बीबी का मकबरा वो उठाड़ो। अब तुम्हारे को इनकम है वो चीज़ों से, तुम क्या उखाड़ेंगे वो चीज़ को। नामकरण का वो मत बोलो,